देश में जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से ऐसे कई सारे इलाके हैं जो बाढ़ से प्रभावित हो रहे हैं। कई सारे लोग हैं जो बाढ़ से प्रभावित होकर गंभीर तरीके से घायल हुए हैं। कई सारे लोगों की जान हानि भी हुई है, लेकिन इसी के चलते लैंडस्लाइड भी देखी जा रही है और पर्यावरण पे बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी सुमायरा जी हैं जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कि बारिश का मौसम शुरू हुआ तब से हम ये कई सारी तकलीफें देखे जा रहे हैं, बाढ़ कहो या फिर लैंडस्लाइड कहो, आखिरकार क्या असर पड़ा है एनवायरमेंट पे जो इतनी सारी आपदाएं जा रही है? एक्चुअली ये जो बारिश हो रही है पिछले थोड़े सालों से ज़्यादा साइक्लोन्स हैं, ज़्यादा फ्लडिंग है, ज़्यादा बारिश है, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। तो एक तो ये बारिश पड़ रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्योंकि एनवायरनमेंटल चेंजेस हो चुके हैं और बारिश की वजह से भी काफ़ी क्लाइमेट एनवायरनमेंट पर असर हो रहा है। जैसे कि आपने कहा लैंडस्लाइड्स, ऑलरेडी ये जगहों में काफ़ी झाड़ों का कम हो चुका है, डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, दूसरे साथ के एनवायरनमेंटल चेंजेस हो चुके हैं, क्वारिंग होती है, सैंड माइनिंग होती है, इसकी वजह से ये एरिया ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू फ्लडिंग ऑलरेडी। तो दोनों साथ साथ में जाते हैं कि जैसा हम डिस्ट्रक्शन करते हैं वैसा ज़्यादा बारिश पड़ती है, उससे और डिस्ट्रक्शन होता है, लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें, पिछले कुछ साल 2015 कहिए, 16 कहिए, उस वक्त जो बारिश देखी जाती तो इतनी ज़्यादा तकलीफें नहीं होती थी, बाढ़ हर जगह नहीं आती थी, लैंडस्लाइडिंग नहीं होता था, अब इसका कारण क्यों है 2021 में और 20 में ऐसा क्यों देखा जाए? लैंडस्लाइड्स के तो एक वजह यह है कि काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, जो झाड़ मिट्टी को पकड़ के रखते थे वो कम होता है, बहुत ज़्यादा क्वारिंग हो चुका है, उससे भी डिस्टेबलाइजेशन होता है। तो इससे लैंडस्लाइड्स तो जहाँ कभी नहीं होते थे वेस्टर्न घाट्स में, सह्याद्रीज में, वो अभी हो रहे हैं और ये और बढ़ने वाला है। आप देखेंगे कि साइक्लोन, गए साल जो साइक्लोन आया था, 100 साल के बाद ऐसा साइक्लोन मुंबई के पास रायगढ़ में कितना डेविस्टेशन किया, उसके बाद इस साल फिर साइक्लोन आया, उसके बाद बारिश आए, हम लोग ज़्यादा और ज़्यादा एक एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये तो होना ही है, जो कि क्लाइमेट चेंज दिख रहा है। आजकल दिसंबर में या नवंबर में बारिश आना ये तो नॉर्मल हो चुका है, जो पहले कभी नहीं होता था। अच्छा। तो आप हर साल देखेंगे तो कुछ ना कुछ बदल रहा है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है ऑन पीपल हु लिव इन दीज वल्नरेबल प्लेसेस। हम एक सवाल यहाँ पे उठता है कि जो नागरिक है, नागरिकों की आदतों की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे कि प्लास्टिक यूज करना या फिर ऐसी कई सारी आदतें होती हैं एक नागरिक पूरा दिन में जो उसे फॉलो करता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम इंसानों को अवॉइड करनी चाहिए? वेल डेफिनेटली झाड़ काटना इज टॉप ऑफ द लिस्ट। झाड़ काटना, डिवेलपमेंट करना ऑन फ्लड प्लेन्स ऑफ रिवर्स, ऑन कोस्ट लाइन्स, ये सब चीज़ें, प्लास्टिक का मिलना, पानी का जो स्ट्रेस है, बाउंड्री वॉल बनाना इन मैंग्रोव एरियाज, बहुत सी चीज़ें हैं जो हम करते रहते हैं और एक एक चीज़ हम समझते हैं कि ये छोटी चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर सब छोटे चीज़ें मिलके बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, जो हम कर सकते हैं वो हर एक को करना चाहिए। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, इन सब का हल क्या है? जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बारिश की वजह से इतनी सारी आपदाएं आ रही हैं, तो इसमें एक हल क्या देखा जाएगा? नागरिकों को कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जो सरकार है उन्हें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? करना तो बहुत से कुछ चीज़ें, बट जो हम कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे हर एक आदमी को करना चाहिए। जैसे आपने कहा प्लास्टिक नहीं काम में लेना, ड्रेन्स नहीं क्लॉग करना, झाड़ नहीं काटना, ये सब चीज़ें इंडिविजुअल लेवल पे हो सकते हैं, बट गवर्नमेंट को ऑफ कोर्स पॉलिसीज बनाने, हमारे पॉलिसीज बहुत अच्छे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट को हम पॉलिसीज बनाना है फैक्टरिंग क्लाइमेट चेंज, और ये हम कहते हैं कि करने वाले हैं, बहुत अच्छे स्टेटमेंट्स हम सुनते रहते हैं गवर्नमेंट से, लोगों से, बट ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पे ये बात साफ है कि जो पर्यावरण है उसमें बदलाव इसलिए आया क्योंकि हम जो इंसान हैं हमने ही कई सारी आदतें हैं जिस वजह से पर्यावरण पे काफ़ी ज़्यादा असर होता है, वहीं जो सरकार की पॉलिसीज हैं उसमें भी कई सारे ऐसे पॉलिसीज में जो एलिमेंट्स हैं उसका लागू किया नहीं जाता है, पर्यावरण को बचाने के लिए उन सारी चीज़ों को लागू नहीं किया जाता है। इस वजह से इस बार की बारिश में हमने इतनी सारी आपदाएं देखी हैं, जो बाढ़ आ गई जिस वजह से लैंडस्लाइड हुआ और कई सारे लोग इस लैंडस्लाइड में आके मर गए और अभी भी ये जो काउंट है बढ़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।